श्री माधोपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सीकर SP कुंवर राष्ट्रदीप शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करेंगे। नीमका थाना ASP रतनलाल भार्गव ने जानकारी दी है। को जो कोटड़ी गांव में एक गंभीर विभत्स घटना घटित हुई थी, जिसमें कि 2 महिलाओं पर बहुत ही विभत्स तरीके से हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और उनके घर में जो भी ज्वेलरी या सोने के सामान थे उसको ले जा करके लूट की घटना कारित की गई थी। बाद में उन दोनों ही महिलाओं की हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। इस घटना में शुरुआत में पुलिस के पास कोई भी क्लू नहीं थे, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, ना ही किसी पर परिवारजनों ने कोई भी शक व्यक्त किया था। लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने बहुत ही कम समय में लगातार प्रयास करके बहुत छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ करके बहुत ही जल्दी, अभी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं, बहुत ही कम समय में जो मुलजिम थे उनका पता लगा लिया है और सभी मुलजिमों को राउंडअप भी कर लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण में गाँव का ही एक व्यक्ति है, गोपाल सिंह नाम है उसका, वो इस पूरे प्रकरण में शामिल है और उसका ही अपना एक साला है जिसने की पूरी प्लानिंग की है, जितेंद्र नाम है उसका। जितेंद्र ने पूरी प्लानिंग की और साथ ही साथ उसने अपने मित्र जो हरियाणा में रहते हैं उनको बुलाया और पूरी रेकी करके बकायदा इस घटना को कारित किया। इस घटना को कारित करने की प्लानिंग एक तरीके से लगभग 1.5 साल पहले उसके दिमाग में आ गई थी। उसने अपने जीजा जो कि गोपाल सिंह है, कुटड़ी गाँव का ही रहने वाला है, उससे इस बारे में डिस्कशन भी कर लिए थे। हालांकि गोपाल ने शुरुआत में बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन बाद में जैसे जैसे इसने इंसिस्ट किया तो ये पूरी प्लानिंग तैयार हुई, उसके बाद में इस घटना को कारित किया गया। इस प्रकरण में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस के द्वारा, इसमें कि जितेंद्र है जो कि गोपाल सिंह का साला है, उसका दूसरा साला भी है जो अमन नाम है जिसका। इसके अलावा 2 व्यक्ति जो हरियाणा के रहने वाले हैं, मोहम्मद दुलारे और हरी प्रकाश। मोहम्मद दुलारे बेसिकली बिहार का रहने वाला है पर हरियाणा में रह रहा है वर्तमान में, और हरी प्रकाश भी हरियाणा का रहने वाला है। इन 4 लोगों ने घटना को कारित किया है। गोपाल सिंह जो है इस घटना को बनाने में और इस घटना को बाद में छुपाने में इसका रोल है। पूरी प्लानिंग से ये जान भिज्ञ था, इसको पता था कि पूरी प्लानिंग किस तरह से की गई है और ये लगातार पूरी प्रक्रिया पे नज़र रख रहा था। ये देख रहा था कि पुलिस को कहीं पता तो नहीं लग रहा है। जब इस पर शक व्यक्त किया तब भी इसने लगातार यही कहा कि सर मुझे पता नहीं, जबकि शुरुआत से ही इसकी सभी बातें इसकी जानकारी में थी। तो ये 5 लोग गिरफ्तार किए गए। अब इससे अग्रिम अनुसंधान और जो भी इन लोगों के द्वारा लूट का सामान ले जाया गया है उसे रिकवरी करने की कार्रवाई प्रारंभ की। सर आरोपी पकड़े गए, इनका क्या रिकॉर्ड है सर? देखिए फिलहाल इनका कोई भी रिकॉर्ड अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने इनको राउंडअप किया है। अब इनका जो भी रिकॉर्ड है कंसर्निंग थानों से मंगाया जा रहा है, पर अभी तक इनके खिलाफ किसी अन्य मुकदमे की जानकारी नहीं है। इस बात की जरूर जानकारी हुई है कि जो ये घटना कारित की गई उसमें वर्ना गाड़ी इन्होंने चुराई थी जो कि मुरलीपुरा थाना इलाके की है, वहाँ पे उस गाड़ी की चोरी की घटना दर्ज है